जी पूछिए। महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि रेलवे के जो किराए निर्धारित किए जाते हैं, और इसमें मूल प्रश्न है कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखना, तो जो एसी फर्स्ट में यात्रा करते हैं उस पर जितना कोच के बनाने पर है, मेंटेनेंस पर खर्चा आता, और जो स्लीपर क्लास नहीं, जो ठसम ठस क्लास में जो यात्री चलते हैं, उसको कैटल बोलते हैं, कैटल क्लास है जो कहिए, उसमें जो यात्री चलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा समाज के निर्धन, निर्बल, मजदूर, दलित, पिछड़े, ये दूर दूर से कमाने के लिए चलते हैं। तो एसी फर्स्ट पर जो इतना मेंटेनेंस का खर्चा हो, किराया बोगी बनाने में किराया लगे, कम चले, उसमें तो रहता है चार गो, बीस चढ़ने वाला 20, और उसमें बाथरूम है 4, और ठसा ठस क्लास में आदमी है 150, और बाथरूम है 4, तो आखिर आदमी पर किराया बढ़ाते समय इस पर भी ध्यान देंगे कि नहीं? एक निरंतर प्रयास रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोचेज बढ़ाए जाएं, और मैं ये माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि बहुत वर्ष पहले एक रिलेटिविटी के हिसाब से तय हुआ था अलग अलग चीज़ों का किराया, जो ऑर्डिनरी क्लासेस हैं उनके लिए कहीं कम है और दूसरों के लिए ज़्यादा है, और जब हम ये एक हिसाब लगाएं कि नुकसान जो पैसेंजर ट्रेवल में होता है वो ऊपर वाली क्लासेस के लिए नहीं होता, वो दूसरों के लिए होता है, लेकिन वो एक जानबूझ के फैसला सरकार लेती है सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, इस बात का ही इस बात पे बल रहता है कि जो निचले वर्ग के लोग हों, जो ज़्यादा उनके पास साधन नहीं है, संसाधन भी नहीं है कि वो ज़्यादा पैसा दे के सफ़र कर सकें, उनके लिए किराए कम हैं। Question hour is over. Papers to be laid. She